बदले करवटे हैं मेरू के उस सागर पे, धरती की उस चादर पे मीलों धोरों की सिलवटे हैं। पगड़ी सर पे सजती है, शहनाई जो बजती है, उसके घर आने की ये आहटे हैं। दुनिया में ऐसा एक छोर है। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको चल, वो धरती है लेकिन कुछ और है। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको चल, वो धरती है लेकिन कुछ और है। सच में राजस्थान की ये धरती अपने में अनेकों आयाम समेटे हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ के कण कण में इतिहास रचा बसा है, वहीं यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य की भी भरमार है, जिसकी एक मिसाल है राजस्थान का ये एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। सिरोही के पूर्व महाराजा से हुई इत्तफाकन भेंट के बाद कल ही हम आप पहुँचे यहाँ माउंट आबू, और आज सवेरे सवेरे ही निकल पड़े माउंट आबू को एक्सप्लोर करने। हमारे इस एक्सपेडिशन का पहला पड़ाव था गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। समुद्र तल से 5650 फीट ऊंचे इस सर्वोच्च शिखर पर स्थित ये मंदिर दत्तात्रेय का है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय का नाम दो शब्दों की संधि से बना है, दत्त और आत्रेय। कहा जाता है कि दैवत्रयी ने अपने आप को एक शिशु के रूप में अत्रि और अनुसुईया को दिया था, इसलिए अत्रि की संतान के रूप में दत्त होने के कारण इनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। ये मंदिर श्रद्धा और आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। पहाड़ी गुफाओं में तपस्वी साधकों की धुनियां आज भी मौजूद हैं। चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के हाथ का चेतन होना है, उसी समय से इसको अखंड रखा, कभी इसको खंड नहीं होने दिया। तो ये सतयुग से चालू है, यहाँ से तपस्या करके अपने गिरनार पर जाके इन्होंने जप किया था। दत्तात्रेय के मंदिर से भी थोड़ा और ऊपर यानी बिल्कुल गुरु शिखर की चोटी पर हम पाते हैं दर्शन चरण पादुकाओं के। गुरु शिखर के सर्वोच्च बिंदु से चारों तरफ का दृश्य सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। प्राकृतिक सौंदर्य के सर्वोच्च प्रतिमानों के साथ दूर दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों और बादलों के बीच अपने आप को पाकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि हम उसी राजस्थान की धरती पर हैं, जिसे शुष्क और रेतीले धोरों के रूप में जाना जाता है। शिखर से लौटते हुए हम रास्ते में बने पीस पार्क को देखने के लिए रुके। माउंट आबू में ही स्थित है पीस पार्क। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य, पेड़ पौधों और फूलों की अप्रतिम सुषमा के बीच शांति का स्थान ये पीस पार्क। इसी धरती पर शांति की आस लिए दूर दूर से यात्री भारत आते रहे हैं। भारत की आध्यात्मिकता और शांति का आदर्श स्थापित करने का प्रयास है ये पीस पार्क, जहां कोने कोने में पसरा है नैसर्गिक सौंदर्य और प्रकृति का अनुपम वरदान ये हरितिमा। साथ ही मौजूद है भारत की आध्यात्मिक झांकी। Wake up. Now this world cycle is again showing us the end time of the Iron Age, the Kali Yuga. Global warming, atomic bombs, natural calamities, disease, ill health, all these are signals that show us that time is very little before the world drama strikes 12 now. So please, wake up, wake up, wake up. What have I seen? White-clad divine sisters? Who are you? Why have you awakened me? Oh, my brother, now is not the time to sleep. because now is the time for the transformation of the old vicious world into a new divine world. The incorporeal Supreme Soul Father has taken a divine birth through a corporeal medium unto this earth and is teaching the divine knowledge to human souls of how to transform to a dainty soul. That is why now awaken from the sleep of ignorance and recognize yourself and your true Father, the Supreme Soul Father. पहाड़ की ऊंचाई से दूर तक का विहंगम दृश्य, प्रकृति और शहरी सभ्यता का अनोखा संगम। समय की अविरल चाल के साथ पथरीली चट्टानें भी किस तरह आकार ले सकती हैं, इसका एक अनुपम उदाहरण देखा जा सकता है माउंट आबू में। इन पथरीली चट्टानों ने इस तरह का आकार ले लिया है मानो तरह तरह के पशु पक्षी बैठे हों, जिनमें खास हैं आउल रॉक, ईगल रॉक, डॉग रॉक, कोबरा रॉक, कैमल रॉक और व्हेल रॉक वगैरह। और ये पथरीली चट्टान कुछ इस तरह का रूप ले चुकी है मानो यहां एक विशाल मेंढक बैठा हो। इसे टॉड रॉक कहा जाता है। माउंट आबू का सबसे रमणीक स्थान है नक्की झील। हरी भरी पहाड़ियों के बीच ये झील प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम स्थान है। झील के किनारे खजूर के पंक्तिबद्ध वृक्ष इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। झील के निर्मल स्वच्छ पानी में विशाल फव्वारों के साये में बोटिंग करना अपने आप में एक विलक्षण अनुभव है। एक किंवदंती के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसीलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। शाम के समय माउंट आबू का स्थानीय बाजार पर्यटकों की चहल पहल से आबाद रहता है। राजस्थान हस्तशिल्प का समृद्ध प्रदेश है। यहाँ के हर कोने के हस्तशिल्प की अपनी एक विशेषता है। अपने बारीक काम और आकर्षण के कारण राजस्थान की हस्त निर्मित वस्तुएं पर्यटकों को उनके व्यस्त समय में से भी कुछ समय निकालकर बाजार तक आने को विवश कर देती हैं और यही सर्वश्रेष्ठ समय होता है परिवार और बच्चों के साथ फुर्सत के कुछ पल बिताने का। विभिन्न कपड़ों, कलाकृतियों और हस्तशिल्प की वस्तुओं के साथ खाने पीने के शौकीनों के लिए भी पसंदीदा स्थान है माउंट आबू का ये बाजार। यूं गुजरा मौज मस्ती से भरा हमारा आज का ये दिन, जिसने न सिर्फ राजस्थान के एक और पहलू से मुझे रूबरू कराया बल्कि मेरे मन को रोमांच से भर दिया। एक ऐसा रोमांच जिसे बयां नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। सो आई स्टॉप माई राइटिंग हियर एंड एंजॉय द फीलिंग। झरनों से रस्तों से भर ले तन मन हो। हर तेरी बिली चुनर लेबू में हाथों छूकर चमके है तारों जैसा इसका कणकण हो। मरुधर में जाके डोले नदियों का पानी होले इन झरनों से रस्तों से भर ले तन